हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप जरोदा काइट प्लेटफॉर्म के अंदर MCX ट्रेडिंग, जिसे हम कमोडिटी ट्रेडिंग भी कहते हैं, उसमें आप कैसे क्रूड ऑयल को बाय कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में आपके कितने बैरल होते हैं, मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, और जब आपको एक लॉट बाय करना है तो इंट्रा डे के लिए कितना आपको मार्जिन देना पड़ेगा, उसके बाद डिलीवरी के लिए आपको कितना मार्जिन देना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर देखेंगे, ये मेन स्क्रीन है जरूरत काइट प्लेटफॉर्म की। लॉगिन करने के बाद अगर हमें क्रूड ऑयल को बाय करना है MCX कमोडिटी के अंदर, तो सबसे पहले हम सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे क्रूड ऑयल। आप CRUDE डालेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा MCX। आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं MCX के ये सेगमेंट के हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या आएगा, आपका अक्टूबर का फ्यूचर ऑप्शन आएगा, नवंबर का फ्यूचर ऑप्शन, दिसंबर का फ्यूचर ऑप्शन, मतलब कि जो टॉप मोस्ट वो होगी एक्सपायरी होगी करंट मंथ की या फिर उससे नेक्स्ट मंथ की, वो आपके पास आ जाएंगी। अब सेप्टेम्बर की एक्सपायरी नहीं है इसमें, आपको अक्टूबर की दिखाएगा, नवंबर की और दिसंबर की। अगर आपको यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं यहाँ से, बट हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे जिससे हम बाइंग और सेल की वो एक विंडो ओपन हो जाएगी। नीचे क्या देखेंगे आप, ये सबसे तीन लेटेस्ट आपको मिलेंगे फ्यूचर के, उसके बाद आपको जो ये लोट्स मिलेंगे आपको मिलेंगे कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन, जो CE, देखो ये CE, ये PE, ये CE, ये आपका जनवरी का फ्यूचर मिलेगा, फरवरी का फ्यूचर, मार्च का फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर का आपको 6 लोट मिलेंगे सबसे लेटेस्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। उसके बाद आपके ऑप्शन के लोड स्टार्ट हो जाएंगे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जो एक्सपायरी होगी उसको आपको एक एक करके आपको नीचे आते रहेंगे तो आपको अलग अलग देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूचर को बाय करते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने पर हम बाय पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी, क्रूड ऑयल अक्टूबर फ्यूचर। रेगुलर ऑर्डर लगा सकते हैं आप इसके अंदर, AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। अब हमें ऑर्डर कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको इंट्राडे आएगा, फिर ओवरनाइट मतलब कि CNC डिलीवरी पोजीशन। बट यहाँ पे डिफरेंस एक होगा, इंट्राडे में आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ होगा, ओवरनाइट में जब तक इसकी एक्सपायरी अक्टूबर तक की तब तक आप उसको एक्सपायर मतलब कि आपको सेल करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के अंदर एक लोट अगर आप बाय करेंगे तो आपको 100 बैरल मतलब कि मिनिमम 100 बैरल का एक लोट होता है, तो ये 100 बैरल आपको बाय करने पड़ेंगे। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक बैरल का रेट चला हुआ 6770, तो मतलब कि अप्रोक्स 6770, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अप्रोक्स अमाउंट बैठती है 6,77,000 रुपीज़। मतलब कि एक लोट बाय करने के लिए जिसमें 100 बैरल आते हैं तो आपको 6,77,000 पेमेंट पे करनी पड़ती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप नीचे आएंगे तो आप मार्जिन देखेंगे, अगर हमें एक लोट यहाँ पे डाला तो आपको अप्रोक्स मार्जिन देना पड़ेगा 2,17,082 रुपीज़, मतलब कि इसमें अप्रोक्स आपको 30% ही मार्जिन पे करना पड़ेगा इसका, आपका एक लोट बाय हो जाएगा फ्यूचर का एक लोट, मतलब कि मिनिमम मार्जिन है उसको, चाहे आप इंट्राडे में बाय करें, चाहे आप ओवरनाइट या CNC कह सकते हैं उसमें बाय करें, आपको मार्जिन देना पड़ेगा 2,17,082 रुपीज़, मतलब कि 30% अप्रोक्स बैठता टोटल इन्वेस्टमेंट का एक लोट 100 बैरल का। इस तरह आप इसको बाय कर सकते हैं। अभी क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, कि क्वांटिटी मतलब कि लोट साइज़ में आपकी क्वांटिटी आएंगी, एक लोट, दो लोट, आप दो लोट करेंगे तो अमाउंट ये डबल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी आपकी वो जो 6 लाख समथिंग थी वो भी आपकी डबल हो जाएगी। आपको किस रेट पर बाई करना है, यहाँ पर मार्केट पर करेंगे तो ये प्राइस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लिमिट पर करेंगे तो आप मैनुअली प्राइस डाल सकते हैं। SL और SLM मतलब आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि आप बाइंग पोजीशन ले रहे हैं, तो आपको मार्केट या लिमिट पे क्लिक करना, जब आप बाइंग पोजीशन ले लेंगे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद आप SL ऑर्डर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको या तो मार्केट या फिर लिमिट, हम एक एग्जांपल के लिए मार्केट सेलेक्ट कर देते हैं, मार्केट में ब्लॉक हो चुका, उसके बाद आप इंट्राडे करेंगे तो भी आपका मार्जिन सेम रहेगा, आप ओवरनाइट करेंगे तो भी आपका मार्जिन सेम रहेगा, हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए इंट्राडे रखते हैं। उसके बाद मार्केट ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, नीचे आएंगे तो वैलिडिटी वही रहेगी जैसे इक्विटी में होती है, डे IOC मिंट्स। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एंजल ब्रोकिंग प्लेलिस्ट, जरोदा, 5 पैसा, आपको हर की प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे पूरी वीडियो देख सकते हैं A to Z, जैसे कि रेगुलर ऑर्डर कैसे लगाना, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना है,
आइसबर्ग ऑर्डर जरोदा के अंदर हर हर प्लेटफॉर्म के अलग वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक के जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी प्लेलिस्ट आपके पास आ जाएगी। आपको उसके बाद क्या करना है, तीन ऑप्शन आएंगे। अगर आप डे रखेंगे तो पूरे दिन वैलिड होगा, IOC रखेंगे इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल, मतलब कि जब आप बाय कन्फर्म करेंगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपका आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, वरना आपका कैंसिल हो जाएगा। मिंट्स पे क्लिक करेंगे, देखो मैं मिंट्स पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा कि कितने मिनट तक आप ऑर्डर को वैलिड रखना चाहते हैं, मतलब कि कितने मिनट की आप टाइमिंग देना चाहते हैं जिससे ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो। उसके बाद ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ से रख सकते हैं। स्वाइप टू बाय करेंगे तो आपका ये ऑर्डर रेगुलर ऑर्डर लग जाएगा। एक कमोडिटी के अंदर क्रूड ऑयल फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर लोट मतलब कि अक्टूबर की एक्सपायरी वाला लोट। उसी तरह अगर आपको इसी के अंदर AM ऑर्डर लगाना है, आपको क्या रेगुलर के अंदर आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो मार्केट की जगह पर आप SL कर देना, तो आपका जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद ही आप SL करना। SL आप कैसे करेंगे, SL पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो प्राइस होंगे, सबसे पहले ये प्राइस होगा और दूसरा सेकंड आपका पास ट्रिगर प्राइस होगा। आपको ट्रिगर प्राइस में कौन सा रखना है, मान लो आपकी बाइंग 6780 पे आपने क्रूड ऑयल का एक फ्यूचर लोट बाय करा था, आप यहाँ पे जाते 6700 में यहाँ पे रखूँ तो आप यहाँ पे 6700 रुपये रखना आपका स्टॉप लॉस जो नीचे की तरफ है। और प्राइस में आप कौन सा रेट रखेंगे, अगर आपने नीचे 6700 रुपये रखा तो आप यहाँ पे 6698 मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रखना उस प्राइस से और इस प्राइस के बीच में। अगर वहाँ पे 6700 आपने रखा है तो यहाँ पे 6698, जिससे कि इन दोनों के प्राइस के बीच में जो भी रेट आए स्टॉप लॉस का वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाए। इसलिए दो प्राइस रखे जाते हैं कि ज़्यादा गैप डाउन नहीं आए, जिससे कि वो प्राइस एक जगह पे ना हो। इस वजह से दो प्राइस 98 पे आएगा तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 99 पे आएगा तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 6700 पे आएगा तो भी मेरा ऑर्डर स्टॉप लॉस के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर दे सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में क्या लगाना है, इसमें भी आपका बिल्कुल सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा वो है। आपको इसमें प्राइस और आपका ये ट्रिगर प्राइस दोनों प्राइस आपको बाय कर लगाने, उसके बाद डे IOC मिंट्स स्वाइप टू बाय, तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग जाएगा जो नेक्स्ट डे के लिए वैलिड होगा। ये आपने देखा क्रूड ऑयल का फ्यूचर लोट। अगर आपको सेम ऑप्शन के अंदर बाय करना है, आप मान के एग्जांपल चलते हैं कि क्रूड ऑयल है वो अक्टूबर की एक्सपायरी 4650 का कॉल ऑप्शन आपने बाय करना है, आप इस पर कैसे बाय करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, बाइंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपके दो ऑर्डर मिलेंगे, बट डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या है, MCX का ये कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन मतलब 4650 CE MCX 2085 का रेट चला हुआ है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, अगर आपके एक लोट बाय करते हैं देखो, और प्राइस आपने कितना रखा हुआ, ये 2085.1, तो आप कैलकुलेशन कितनी बनती है, 2085 × 100 से करेंगे तो अप्रोक्स आपका ये बनेगा 208,510 रुपये। बट इसमें आपको कोई मार्जिन अवेलेबल नहीं होता ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, चाहे आप उस स्टॉक को इंट्राडे में बाय करें, चाहे आप नॉर्मल या CNC कह सकते हैं उसमें बाय करें। आप ऑप्शन ट्रेडिंग, चाहे आप इक्विटी हो, आपका कमोडिटी हो या फिर करेंसी हो, कोई भी आपको मार्जिन अवेलेबल नहीं होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो इस वजह से जितना भी आपको मार्जिन लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा पूरा का पूरा। वहाँ पे फ्यूचर में आपको मार्जिन अवेलेबल था, 30% आपको मिनिमम देना पड़ता था, बट यहाँ पे आपको पूरा मार्जिन देना पड़ेगा। बाइंग पोजीशन कैसे लेनी है, बिल्कुल आपको सेम वही करना है, क्वांटिटी प्राइस इंट्राडे MIs क्या आपको लेना है, मार्केट रखेंगे तो आपका क्या रहेगा, ये रिमूव हो जाएगा, लिमिट पर करेंगे तो आप मैनुअली लिमिट डाल सकते हैं। उसके बाद आपका वैलिडिटी और आपका डे रखना, IOC रखना, मिनट्स रखना है, उसके बाद क्या करना है, कितना मिनट्स रखना चाहते हैं, स्वाइप टू बाय, तो आपका ये ऑप्शन लोट में रख के कमोडिटी के अंदर आपका ये बाइंग पोजीशन लग जाएगी, जिससे कि आपको फुल मार्जिन के साथ आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इंट्राडे करेंगे सेम डे वैलिड रहेगा, CNC डिलीवरी लेंगे तो जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं होती तब तक ये वैलिड रहेगा। इस तरह ऑप्शन के साथ आप क्रूड ऑयल के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये थी वीडियो, आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।